हाल ही में पीएम मोदी शिलांग गए थे, जहां उन्होंने 2450 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिलांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक खासी पोशाक पहनी थी, जिसकी तस्वीर विपक्ष के कुछ नेताओं ने उन पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल की। तृणमूल कांग्रेस नेता व पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, न नर है न है नारी, केवल है ये फैशन का पुजारी। बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। शेयर किए गए इस कोलाज में नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक ऑनलाइन स्टोर का स्क्रीनशॉट भी शामिल है। इसमें दिख रहा है कि यही पोशाक एक लड़की ने पहन रखी है। गुजरात कांग्रेस के चेयरमैन हितेंद्र पिठाड़िया ने भी ये दोनों तस्वीरें शेयर की और पीएम मोदी की पोशाक का मजाक उड़ाया। तो क्या वाकई में पीएम मोदी ने जो पोशाक पहनी है वो महिलाएं पहनती है? हमने जब इन तस्वीरों को गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ऑनलाइन स्टोर वाली तस्वीर एडिटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी क्रिज वगैरह मेल खा रही है, यानी पीएम मोदी द्वारा पहनी गई पोशाक को काटकर इसे लड़की की तस्वीर के साथ जोड़ा गया है। आगे हमने वायरल स्क्रीनशॉट की डिस्क्रिप्शन को गूगल पर सर्च किया। हमें शेरल एंड बियर नाम की ये वेबसाइट मिली, जिसका डिस्क्रिप्शन वायरल स्क्रीनशॉट जैसा है। इस वेब पेज पर कपड़ों के दाम, पेमेंट मोड, मॉडल के खड़े होने का स्टाइल इत्यादि बिल्कुल वायरल स्क्रीनशॉट से मेल खाते हैं, यानी इसे ही एडिट कर बदला गया है। यानी एक एडिटेड तस्वीर के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। बाद में कीर्ति आजाद ने माफी मांगते हुए ट्वीट किया कि मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। इसके बाद भी मेरी बातों से जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उनसे मैं माफी मांगता हूँ।